हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए, आज एसएससी ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, जहां बच्चे जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सोच रहे थे कि रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट तो नहीं दिया, एसएससी ने एक शॉक दे दिया। अभी क्या, एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है कि जिन भी बच्चों का 15 और 16 को स्किल टेस्ट हुआ था, अभी सभी का रिकंडक्ट कराया जाएगा 25 अप्रैल को हिंदी वालों का और 26 अप्रैल को इंग्लिश वालों का। ऐसा देखो, कमीशन ने खुद अपने नोटिस में डाला है कि टेक्निकल ग्लिच, काफ़ी बच्चे, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स एंड फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम रीजनल ऑफिसेज कमीशन। तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से देखो ये कमीशन ने एक्सेप्ट किया है, तो बच्चों की भी दिक्कतें थीं, तो सही भी है कह सकते हैं इसको। और एक तरह से देखें तो कैंडिडेट्स जितने भी थे वो फिर से पेपर देने जाएंगे, स्किल टेस्ट देने जाएंगे, तो काफ़ी सारी दिक्कतें होने वाली हैं उन्हें अब फिर से, क्योंकि फाइनेंशियली बर्डन रहता है, स्ट्रेस लेते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स उनके साथ आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कितनी सारी दिक्कतें आती हैं। एसएससी को देखना चाहिए कि उनके एग्ज़ाम सेंटर्स भी दूर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ, पिछली बार भी बच्चों के सेंटर्स काफ़ी दूर डाल दिए, जिससे सुबह इतनी सुबह पहुँचने में बच्चों को सेंटर्स मिलने में परेशानी हो रही थी। वही दूसरा पॉइंट्स देखिए क्या है एसएससी ने डाला है कि वही था कि 16 को भी जो हुआ था, 16 और 10 को इनका यही सेम टेक्निकल ग्लिच आया है, तो जिसकी वजह से रिकंडक्ट कराया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि स्किल टेस्ट रिकंडक्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जो 15 और 16 को अपीयर हुए थे। ये साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप अपीयर नहीं हुए हो तो आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। और बस यही था, 25 अप्रैल को हिंदी वालों का होने वाला है और 26 अप्रैल को इंग्लिश वालों का होने वाला है। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से ये डाला है एसएससी ने। अभी देखिए क्या ही कह सकते हैं, पर जिन भी बच्चों का पिछली बार हिंदी या इंग्लिश वालों का किसी का भी ख़राब हुआ था या कुछ हुआ था, तो उन्हें फिर से एक चांस मिला है। अभी 20 दिन है, तो 20 दिन में आप और अच्छे से कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चों ने तो तैयारी भी छोड़ दी थी, उन्हें बस वेट था कि रिज़ल्ट आने वाला है, और रिज़ल्ट तो नहीं आया। एसएससी ने एक नोटिस डाल दिया, बट खैर चलो, अभी देखो क्या ही होता है। वैसे सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे प्रोटेस्ट वगैरह तो होने वाला है काफ़ी, इसके रिगार्डिंग बच्चे काफ़ी मेल भी करेंगे कि नहीं होना चाहिए। यही था पहले भी, जब 10 अप्रैल को हुआ था, 10 मार्च को हुआ था, तब भी काफ़ी बच्चों ने डाला था कि हिंदी वालों का भी कैंसिल करो। अब इंग्लिश वाले बोल रहे हैं कि हमारा रिकंडक्ट मत कराओ, यही सब रिगार्डिंग, इसी के रिगार्डिंग मेल वेल जाने वाली है। काफ़ी सारी बच्चे प्रोटेस्ट भी करेंगे, पर देखो अभी वैसे कुछ होने वाला तो नहीं है, होगा या नहीं होगा वो छोड़ो, पर मैं तो यही कहूँगा जिन भी बच्चों का है वो अपनी तैयारी में लग जाएं फिर से। 20 दिन है, अब ये कैंसिल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप और फिर से अच्छा कर सकते हो, अगर आपका पिछली बार अच्छा नहीं हुआ था तो। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, यही अपडेट थी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।